ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं और एक टॉपिक ऑस्ट्रिया का इंपोर्ट के बारे में। हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, पहले का टॉपिक था हमारा हाउ टू एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर वीडियोज बना चुके हैं। आज का टॉपिक है द टॉप प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, मतलब ऑस्ट्रिया जो कंट्री है ऑस्ट्रिया वर्ल्ड वाइड दुनिया भर से कौन से टॉप प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल्स में। अगर आप हमारे पहले वाली वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रिया देखना चाहते हो तो आप हमारा वो पुराने वाले वीडियो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप जाकर पहले वाला वीडियो देख लीजिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रिया, तो आपको काफ़ी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी आप अगर ऑस्ट्रिया को एक्सपोर्ट करना चाहोगे। ऑस्ट्रिया जो है सेंट्रल यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया, और इस ऑस्ट्रिया का जो लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज में, और इसका राजधानी का नाम है वियना। काफ़ी रिच कंट्री है और परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है। उनका नेबरिंग कंट्रीज है जर्मनी चेक रिपब्लिक स्विट्जरलैंड, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया टॉप प्रोडक्ट क्या इंपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, टॉप प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, और टॉप प्रोडक्ट में और भी आते हैं आपका टॉप मशीनरीज प्रोडक्ट क्या इंपोर्ट करता है, टॉप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स क्या इंपोर्ट करता है, और उसका टॉप ऑटोमोबाइल्स एंड एक्सेसरीज में क्या इंपोर्ट करता है, और टॉप फ्यूल प्रोडक्ट में क्या इंपोर्ट करता है। क्योंकि ऑस्ट्रिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है सेंट्रल यूरोप में जर्मनी के बाद, क्योंकि ये यहाँ पर यूरो चलता है, ऑस्ट्रिया में यूरो चलता है, यूरोपियन यूनियन का करेंसी चलता है। काफ़ी रिच कंट्री है, छोटा सा देश है लेकिन परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है। उसके ऊपर हम पहले वाले वीडियो बना चुके हैं हाउ टू एक्सपोर्ट ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का ऊपर वीडियो देखना चाहोगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रिया। सो आज के तारीख में जो ऑस्ट्रिया जो है कौन से कंट्रीज है, कितने सारे कंट्रीज है, उनका जो टॉप इम्पोर्ट कंट्री है, कहाँ कहाँ से ऑस्ट्रिया इम्पोर्ट करता है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो टॉप कंट्रीज आता है उनका ऑस्ट्रिया इम्पोर्ट करता है, जो उसका इटली से करता है, जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड चेक रिपब्लिक नेदरलैंड्स चाइना पोलैंड हांगकॉन्ग स्लोवाकिया फ्रांस बेल्जियम यूएसए। ठीक है, ये जो कंट्रीज आपको बता दिया, ये कंट्रीज जो टॉप कंट्रीज है ऑस्ट्रिया को एक्सपोर्ट करता है। भारत का नाम फिलहाल नहीं है, चाइना का नाम है। ठीक है, तो भारतीय इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। फिलहाल टॉप कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है, इंडिया का नाम नहीं है, इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रिया एक पावरफुल कंट्री है, परचेसिंग पावर ज़्यादा है, आपको ऑस्ट्रिया को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आपको तो बता दिया कौन से कितने सारे कंट्री से ऑस्ट्रिया इंपोर्ट करता है, जर्मनी स्विट्जरलैंड फ्रांस इटली यूके चाइना यूएस बहुत सारे कंट्री से इंपोर्ट करता है, और इंडिया का नाम फिलहाल नहीं है, इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान दीजिए। अभी मैं बताऊंगा कौन से कितना प्रोडक्ट टॉप प्रोडक्ट है ऑस्ट्रिया इम्पोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो मशीनरीज इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिकल मशीनरीज इक्विपमेंट व्हीकल्स मिनरल्स फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्लास्टिक्स प्लास्टिक आर्टिकल्स आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील जेम्स एंड ज्वेलरीज प्रेशियस मेटल्स आयरन एंड स्टील ऑप्टिकल टेक्निकल एंड मेडिकल अपैरेटस। ऑस्ट्रिया का जो टॉप प्रोडक्ट दिखा दिया, इसमें से जो जेम्स एंड मेटल्स ये जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला और सेल होने वाला प्रोडक्ट है जेम्स एंड मेटल्स, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए। और जितना प्रोडक्ट का नाम बता दिया वो आप देख लीजिए, ये प्रोडक्ट को आप इंडिया से सोर्स करके ऑस्ट्रिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊँगा ऑस्ट्रिया जो इम्पोर्ट करता है उसमें से मशीनरीज बहुत सारे टॉप मशीनरीज इम्पोर्ट करता है, वो मशीनरीज क्या क्या मशीनरीज है मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो मशीनरीज में आपको आता है टॉप मशीनरीज ऑस्ट्रिया इंपोर्ट्स कंप्यूटर्स ऑप्टिकल रीडर्स पिस्टन इंजन पार्ट्स टैप्स वेल्व्स सिमिलर अप्लायंसेस मशीनरी पार्ट्स ट्रांसमिशन शाफ्ट्स गियर्स एंड क्लचेस मिसेलनस मशीनरीज एयर एंड वैक्यूम पंप्स लिक्विड पंप्स और आपका कैटिफ्यूजर्स फिटर्स मशीनरीज फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर, ये उनका जो मशीनरीज प्रोडक्ट हो गया ऑस्ट्रिया का मशीनरीज प्रोडक्ट हो गया। और
और ऑस्ट्रिया का टॉप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ। ऑस्ट्रिया का टॉप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ऑस्ट्रिया इंपोर्ट करता है फोन डिवाइसेस। इसमें से ज़्यादा एक्सपोर्ट एंड बाय करने वाला सेल करने वाला प्रोडक्ट है फोन डिवाइसेस इन ऑस्ट्रिया। फोन डिवाइसेस एंड स्मार्टफोन्स इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स लोअर वोल्टेज स्विचेस इलेक्ट्रिक मोटर्स जनरेटर्स इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर्स पावर यूनिट्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सेमीकंडक्टर्स सोलर पावर डायोड्स इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सर्किट बोर्ड पैनल्स टीवी रिसीवर्स टीवी मॉनिटर्स प्रोजेक्टर्स इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स हेयर ड्रायर्स। ये उनका हो गया ऑस्ट्रिया टॉप इलेक्ट्रिकल इम्पोर्ट प्रोडक्ट है ऑस्ट्रिया का। उसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं ऑस्ट्रिया का टॉप व्हीकल पार्ट्स जो इंपोर्ट करता है व्हीकल्स एंड व्हीकल पार्ट्स ऑस्ट्रिया इंपोर्ट करता है कार्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ट्रक्स बसेस ट्रैक्टर्स मोटरसाइकिल्स पार्ट्स एंड मोटरसाइकिल्स एक्सेसरीज एंड मोटरसाइकिल्स ट्रेलर्स बाईसाइकिल्स नॉन मोटराइज साइकिल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लाइक बसेस और स्पेशल पर्पज व्हीकल्स। तो इसमें से ज़्यादा चलने वाला है मोटरसाइकिल एंड पार्ट्स ज़्यादा चलने वाला सेल होने वाला प्रोडक्ट से इन ऑस्ट्रिया। और टॉप फ्यूल इंपोर्ट्स जो टॉप प्रोडक्ट फ्यूल में इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रिया वो होता है प्रोसेस्ड पेट्रोलियम ऑयल क्रूड ऑयल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोल सॉलिड फ्यूल्स मेड फ्रॉम कोल पेट्रोलियम ऑयल कोक एंड सेमी कोक एस्फेल्ट एंड पेट्रोलियम बिटुमेन मिक्सेस पेट्रोलियम जेली मिनरल वैक्सेस पीट एंड लिग्नाइट। ये उनका जो प्रोडक्ट है तो इसमें से ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है पेट्रोलियम ऑयल रेसिडिस एंड आपका पेट्रोलियम जेली। सो आपको मैंने डिटेल्स में बता दिया ऑस्ट्रिया में जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है ऑस्ट्रिया कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है उसका जो ट्रेडिंग पार्टनर है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना जर्मनी स्विट्जरलैंड चेक रिपब्लिक ऐसे बहुत सारे कंट्री से ऑस्ट्रिया इंपोर्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑस्ट्रिया इंपोर्ट करता है यूक्रेन से इंपोर्ट करता है आपका पोलैंड से इंपोर्ट करता है और साउथ पार्ट ऑफ जितने सारे कंट्री है जैसे कि इटली स्पेन पोर्चुगल से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता है। तो अगर आप ऑस्ट्रिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो जितने सारे प्रोडक्ट बता दिया टॉप प्रोडक्ट बता दिया उसमें से जो मशीनरीज ज़्यादा जाता है इंडिया से सॉरी वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज ऑटो पार्ट्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स एंड आपका इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है तो ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए आपको ऑस्ट्रिया का जितने सारे ट्रेड डायरेक्टरीज B2B ट्रेड डायरेक्टरीज येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरीज होते हैं उसमें से आपको लिस्ट करना पड़ेगा। लिस्ट करके आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद क्या होता है ऑस्ट्रिया में जितने सारे ट्रेडर्स बायर्स और मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेड डायरेक्टरीज में ऑनलाइन में आते हैं परचेस के लिए सेल के लिए और ऑर्डर पाने के लिए ताकि उनको जब आपका कंपनी दिखाई देगा वो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे सकता है। इसलिए उनका जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स येलो पेजेस एंड बिजनेस डायरेक्टरीज क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ ऑस्ट्रिया मैंने पहले जो वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट ऑस्ट्रिया पहले वाली वीडियो देखिए इन द डिस्क्रिप्शन उसमें से मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ। उस पुराने वाले वीडियो में जितने सारे येलो पेजेस आपको बता दिया हूँ येलो पेजेस एंड डायरेक्टरीज ऑफ ऑस्ट्रिया उसमें से जाकर आप वन बाई वन जाइए लॉग इन करिए उसमें रजिस्टर कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर इंडियन ट्रेडर मैन्युफैक्चरर। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटोज ऐड कर लीजिए प्राइसेस ऐड कर लीजिए आपका वेबसाइट ऐड कर लीजिए ताकि ऑस्ट्रियन इंपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स जब उन वेबसाइट में आप सर्च करते हैं उनको इंडियन एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स का डिटेल्स दिखाई देगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए आपका कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे आपको वेबसाइट की जाएंगे वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएंगे फिर वेबसाइट को क्लिक करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को देखेंगे फिर अगर वो इंटरेस्टेड होंगे ऑनलाइन में आप वो परचेस कर सकते हैं उनका जो सैंपल ऑर्डर और आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। इसलिए हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ आपका वेबसाइट को बड़ा कर लीजिए वेबसाइट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट को रखिए
फोटोज रखिए, प्राइसेस रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, और उसमें आप आपका जो लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड का जितने सारे लैंग्वेज रखिए, गूगल ट्रांसलेशन लैंग्वेज रखिए और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, और इंस्टेंट कॉन्टैक्ट करने के लिए आपका हो आपका जो IMO और आपका व्हाट्सअप वगैरह नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में रखिए, ताकि इमिडिएटली वहाँ का जो इम्पोर्टर्स आपको कॉन्टैक्ट कर सके। हमेशा आपका जो बिजनेस कार्ड होता है, बिजनेस कार्ड को आप आपका वेबसाइट का कॉन्टैक्ट उस पेज में ऐड कर लीजिए। वेबसाइट में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नेम, आपका पोजिशन ऑफ द कंपनी एंड आपका टेलीफोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर एंड इमिडिएटली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, IMO, स्काइप एंड आपका जितने सारे इंस्टेंट कॉन्टैक्ट करने के लिए होता है वो आप ऐड कर लीजिए, ईमेल आईडी ऐड कर लीजिए, ताकि कोई भी कंट्री से कोई भी परचेसर, कोई भी बायर इमिडिएटली अगर वो चाहेगा आपको कॉन्टैक्ट कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वेबसाइट में आपका रखिए, आपका बिजनेस कार्ड ऐड कर लीजिए, ठीक है, ताकि इंस्टेंट एनी बायर जब चाहेगा आपको कॉन्टैक्ट कर सकेगा बाई व्हाट्सअप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रिया के ऊपर हम डिटेल्स में बता दिया, ऑस्ट्रिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरे डिटेल्स में बता दिया। ऑस्ट्रिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ज़्यादा जानकारी के लिए आपका जो हाउ टू एक्सपोर्ट ऑस्ट्रिया का वीडियो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट ऑस्ट्रिया। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा वीडियोस देखना चाहिए आप एक्सपोर्ट के ऊपर, आप हमारा वेबसाइट www.tuberosecorporation.com पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखिए। अगर आपको हमारा सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा www.tuberosecorporation वेबसाइट में जाइए, सर्विसेज में, सर्विसेज के ऊपर क्लिक करिए, हमारा सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है और आपको असिस्टेंट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रेड रिलेटेड टॉपिक आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए विदाई लेता हूं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।